पाकिस्तान का धड़कता दिल जो ज़िंदगी, तारीख, सकाफत और मुतनव्वे तवानाई से गूंजता है। शहरे कराची में खुश आमदीद। एक्सप्लोर द डायनामिक टेपिस्ट्री ऑफ कराची वेयर हिस्ट्री मीट्स मॉडर्निटी। जॉइन अस इन अनकवरिंग द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ दिस वाइब्रेंट सिटी। बुहैरा अरब के किनारे वाके इस शहर का एक भरपूर माजी, एक मुतहर्रिक हाल और एक दिलचस्प रूह है। कराची हर किस्म की सहूलियात से लैस शहर है, जहां तारीखी मकामात के साथ ऊंची इमारतें खड़ी हैं और रिवायती बाजार जदीद शॉपिंग सेंटर्स के साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां माजी और हाल हम आहंगी से रहते हैं। रिवायती पकवान पेश करने वाले सैकड़ों मकामात से लेकर बैनुल अक्वामी खाने पेश करने वाले हज़ारों आला दर्जे के रेस्टोरेंट तक, कराची शहर सयाहों में अपनी जानदार और मुतहर्रिक फूड कल्चर की वजह से काफ़ी मकबूल है। बर्न्स रोड कराची के सदर में वाके एक मारूफ और तारीखी गली है जो तारीख और सकाफत का तसलसल है। बर्न्स रोड का नाम 19वीं सदी के एक बरतानवी एक्सप्लोरर और सिफारतकार सर एलेक्जेंडर बर्न्स के नाम पर रखा गया और यह बरतानवी नौ आबादियाती दौर में कायम किया गया था। इब्तदाई तौर पर यह अशराफिया के लिए एक रिहायशी इलाका था जिसमें विक्टोरियन तर्ज के मकानात और शान व शौकत का एहसास था। फूड स्ट्रीट के तौर पर बर्न्स रोड की तारीख आज़ादी के बाद के दौर की है, जब हिंदुस्तान से बहुत से तारकीन वतन कराची के इस मखसूस इलाके में आबाद हुए। उन्होंने मसाले के अनोखे इम्तिजाज के साथ अपनी तरकीबें बनाना शुरू की और उन्हें मकामी लोगों से मुतारिफ करवाया। उनकी ज़्यादातर रिवायात को रोशनियों के शहर ने दिलो जान से कबूल किया। यहाँ पर कायम फूड आउटलेट्स में से बेशतर 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं। माशाल्लाह बहुत पुरानी जगह है ये, तो काफ़ी मेरे पैदाइश से भी पहले की है। मुझे तो इनके पास एक साल हुआ है, तो ये बाबू भाई का ठेला है 1961 से। ठीक है, हमारे जो यहाँ थे पुराने पुराने कई लाहौर से आता है, कई इस्लामाबाद से आते हैं, काफ़ी पुरानी बात आते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह इनकी तीसरी पीढ़ी ख़त्म हो चुकी है, अभी इनकी चल रही है। अभी ये सिंगल हमारा 60 का है, ये वाला ये हमारा ज़्यादातर मशहूर ये बन कबाब, ये सिंगल 60 का है, डबल 120 का है, गोल वाला ये 70 का। जितना हमारा ये चलता है उसमें ज़्यादा कोई नहीं चलता। ठीक है, और ये हमारी चटनी प्याज है, ये हमारी चटनी बहुत मशहूर है, जो बाहर से खाने आते हैं। इन्होंने इन तमाम सालों में अपनी असल तरकीबें नहीं बदली, जो शायद इनकी बेपनाह मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है। बरसों के दौरान बर्न्स रोड खाने के शौकीन अफराद की मन पसंद जगह के तौर पर तब्दील हुआ है। वक्त गुजरने के साथ बर्न्स रोड खाने के शौकीन अफराद की मन पसंद जगह के तौर पर तब्दील हुआ है और अब कराची की फूड स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की अशिया की मेज़बानी करता है, जो पाकिस्तानी और बैनुल अक्वामी खानों की मुतनव्वे रेंज पेश करता है। बहुत से कदीम रेस्टोरेंट्स के साथ जो अब आलमी तौर पर मशहूर हो चुके हैं, ये जगह पुरानी यादों की एक लहर को जन्म देती है जो आपको पुराने दौर में ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बंस रोड से बात कर रहा हूँ। सबसे पुरानी खाने पीने के पीने का बाज़ार है ये, खाने का बाज़ार, और ये पार्टीशन के ज़माने का है। और माशाल्लाह यहाँ डिफरेंट वैरायटी है और सब एग्रीकल्चर आइटम्स हैं। और ये दही बड़े की दुकान है हमारी, यहाँ मीठे दही बड़े होते हैं, मसालेदार चटपटे भी होते हैं। बंस रोड पर आपको जो भी आइटम मिलेंगे वो तमाम के तमाम ऐसे होंगे के अफोर्डेबल होंगे और आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और यहाँ का बहुत सुना था मैंने, अब आया हूँ तो यहाँ के खाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और इधर का बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पर
कबाब से लेकर फिश और ये सारा कुछ, ये सारा सारी चीज़ें मिलती हैं इधर। इस्लामाबाद के मुकाबले में यहाँ के खाने तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट वाले हैं। यहाँ पर मैंने अभी वहीद के कबाब और ये सुपर शिनवारी ट्राई की है और ये दोनों बहुत ही दोनों ने मेरे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अपनी तारीखी अहमियत और दिलकश सकाफत के बावजूद बर्न्स रोड को मौजूदा दौर में बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनासिब देखभाल की कमी ने गली की तामीराती खूबसूरती को कुछ सवाल का शिकार बनाया है। ताहम बर्न्स रोड की रूह यहाँ के लोगों में पिन्हा है। दुकान के मालिकान, रिहायशी और जायरीन इस जगह के रौनक में अपना हिस्सा डालते रहते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी सकाफती मीरास जिंदा रहे। बर्न्स रोड पर पुरानी फूड स्ट्रीट को दोबारा ठीक ठाक किया गया है। ये इलाका अब रंग बिरंगी इमारतों के पस मंज़र में रात के वक्त जगमगाती रोशनियों के साथ एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। बर्न्स रोड कराची में तारीख की बाजगश्त और इसके पकवान के विरसे की खुशबू फिज़ा में गूंजती रहती है। ये मशहूर गली अपने भरपूर माजी और रवां हाल के साथ कराची की लचक और सकाफती तनवो के अलामत के तौर पर खड़ी है। जैसे जैसे शहर बढ़ता जा रहा है, इस सकाफती मरकज़ को बरकरार रखने, इसे दोबारा ज़िंदा करने और आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज की जाने वाली कोशिशें मज़ीद अहमियत इख्तियार करती जा रही हैं।